What's up guys, welcome to my channel NCRT Blaster। बच्चे लोग कैसे हो आप लोग सब? पढ़ाई अच्छे से चल रही ना? कंटिन्यू करो पढ़ाई, ठीक है। सारे के सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली वेटेज दो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो होगा, मतलब ये वाला साल जो होगा, वो आ गया आपके करियर का माइलस्टोन होगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था बेल्जियम एंड श्रीलंका का। आगे हम पढ़ते हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, जैसे हमने डिसाइड किया था। जो भी डाउट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लेस करो उसको, ठीक है, आगे हम देखेंगे। चलो देखो, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, मार्क कट पे चलना, जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताऊंगी। श्रीलंका एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, ठीक है। तो श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ था, कब उसको आज़ादी मिली थी? 1948 में। और इंडिया को कब मिली थी? 1947 में, ठीक है। पता है ना सबको इंडिपेंडेंस डे कब होता है? चलो, तो हमको आज़ादी मिलने के एक साल बाद श्रीलंका भी आज़ाद हो गया था। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाई वर्ची ऑफ देयर मेजोरिटी। देखो क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था कि श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी में सिन्हाला पीपल्स रहते थे, और सिन्हाला एक लैंग्वेज थी, मतलब सिन्हाला स्पीकिंग पीपल रहते थे, जिनका रिलीजन क्या था, वो किस धर्म को मानते थे, वो बुद्धिज़्म को मानते थे। तो वो लोग क्या थे, वो मेजॉरिटी में थे, और उनके मन में ये था कि जब हम मेजॉरिटी में है, हमारी ज़्यादा चल रही है, तो पूरा का पूरा गवर्नेंस जो होगा, मतलब वे ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नेंस मतलब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो होगा, वो क्या होगा, सिन्हालास का ही होना चाहिए। अब ये चीज़ जो थी, ये तो गलत है ना, क्योंकि कंट्री में ठीक है सिन्हाला पीपल थे जो मेजॉरिटी में थे, बट देयर वर तमिल्स टू, तो उनके साथ गलत होता। तो जो सिन्हालास की जो थिंकिंग थी ना, कि हम मेजोरिटी में तो हमारे हिसाब से चीज़ें चलेंगी, उस वर्ड को बोला जाता है मेजोरिटेरियन, ठीक है, मेजोरिटेरियन बोलते हैं। और उस पूरे के पूरे फिनोमिना को, कि मेजोरिटी पार्टी जो है अपनी चलाती है, उसको बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है। इसको आपको मार्क करके चलना, इस वर्ड को मेजोरिटेरियन, इसका मतलब जो है हम लोग देख लेते हैं। देखो ये ग्लॉसरीज में जो वर्ड्स आते हैं ना, हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट उसको डिफाइन करने को आ जाए, या तो उसको वन वर्ड क्वेश्चन आंसर में पूछ लें, तो इसको बिल्कुल आपको मार्क करके चलना है। थोड़ा सा नीचे आप लोग ग्लॉसरी में देखो, राइट साइड में मेजोरिटेरियनिज्म का क्या मतलब होता है। अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाई डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। मतलब होता है कि एक बिलीफ होता है कि जो भी पार्टी, ठीक है, या जो भी कम्युनिटी मेजोरिटी में है, वो अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है, चाहे उसमें, और उसको इम्पोज भी कर सकती है, चाहे उसमें माइनॉरिटी पार्टीज़ के विल इच्छा हो या ना हो, उनकी नीड्स के हिसाब से, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, उनके लिए कंफर्टेबल हो या ना हो, फिर भी मेजोरिटी पार्टी अपने हिसाब से रूल बना सकती है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, इस बिलीफ को क्या बोलते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म बोला जाता है, ठीक है। वापस हम पीछे चलते हैं। तो हमने क्या देखा कि श्रीलंका किस चीज़ में बिलीव कर रहा था, श्रीलंका बिलीव कर रहा था मेजोरिटेरियन में, ठीक है, क्या बिलीव कर रहा था, मेजोरिटेरियन में। आगे चलते हैं। इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकोगनाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस दिस रिगार्डिंग तमिल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। वेट अ मिनट, देखो, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन से ईयर में एक्ट पास हुआ था जिसमें सिन्हाला वॉज प्रिफर्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, 1956 में, 1956, अब तक 56, ठीक है, 1956 में क्या हुआ था कि एक एक्ट पास हुआ था जिसमें सिन्हाला जो लैंग्वेज थी ना, उसको श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। तो इससे क्या हुआ था, तमिल्स का डिसरिगार्ड हुआ था, मतलब उनकी बातें नहीं मानी गई थी। तम चाहते तो वो लोग क्या कर सकते थे कि सिन्हाला को एज वेल एज तमिल दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते थे, पर उन्होंने तमिल्स की सोच को डिसरिगार्ड कर दिया, उसको मना कर दिया, और सिर्फ सिन्हाला को क्या किया, एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। देखो इसकी वजह से क्या हुआ था, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजिशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। इसके अलावा क्या किया इन्होंने, जो सेकेंड पॉइंट है आपका, ठीक है, देखो इसको पॉइंट वाइज मार्क कर लो आप लोग। जैसे मेजोरिटेरियन का यदि सिग्निफिकेंस आ जाता है, तो इसमें पहला तो ये होगा इन 1956 से लेके तमिल तक के, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट होगा ये यहाँ से शुरू होगा, द गवर्नमेंट्स
फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजिशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। क्या था कि जो यहाँ तक के ये सेकेंड पॉइंट हो गया आपका, मतलब कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए हो या तो गवर्नमेंट जॉब में हो, सिन्हाला जो कम्युनिटी के लोग थे ना उनको प्रेफरेंस देती थी। ठीक है, मतलब सपोज एक तमिल बॉय और गर्ल और एक सिन्हाला कैंडिडेट, ठीक है, दोनों के दोनों यदि सेम पोजिशन के पे हैं, दोनों के दोनों यदि सेम कंडीशन पे हैं, तो उसमें जो प्रेफरेंस दिया जाता था वो हमेशा सिन्हालास को ही दिया जाता था या उनको काइंड ऑफ रिजर्वेशन दिया जाता था। ठीक है, जिसका थर्ड पॉइंट है अपन देख सकते हैं, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट अ फॉस्टर बुद्धिज्म। ठीक है, तीसरी बात क्या थी, तीसरा इनका मानना था, ठीक है, थर्ड पॉइंट हम यहाँ से ले सकते हैं, अन्यू से बौद्धिज्म तक के। इसको आप लोग ना पॉइंट वाइज मार्क करके रख लो, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा आए कि राइट द एस्पेक्ट ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, तो इसमें आपको ये तीनों पॉइंट्स ऐड करने हैं। तीसरा पॉइंट है, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, मतलब कि जो स्टेट है, स्टेट इन द सेंस पूरी की पूरी कंट्री की बात चल रही है, जो कंट्री है वो बौद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा, मतलब वहाँ पे सभी को बौद्धिज्म को मानना पड़ेगा और बौद्धिज्म ही वहाँ का जो है स्टेट रिलीजन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप लोगों में से कितने लोगों को सेक्युलरिज्म पता है, जिनको सेक्युलरिज्म पता है वो सेक्युलरिज्म यस करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और जिनको पता है उसका डेफिनेशन भी देखेंगे, क्योंकि ये भी हमको आगे पॉलिटी में काम आने वाला है। अभी आगे बढ़ते हैं, देखो All these government measures coming one after other gradually increase the feeling of alienation among Sri Lankan Tamils. ठीक है, देखो क्या हो रहा था कि ये जो policies आ रही थी ना वहाँ के government की, कहाँ के, श्रीलंका के government की, कि Tamils सिन्हालास जो है वो official language है, सिन्हालास को priority मिलेगी, इसके अलावा Buddhism को protect किया जाएगा, इसकी वजह से जो Tamils थे ना, especially जो श्रीलंकन Tamils थे, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो है आपके जो यहाँ पे कौन थे, श्रीलंकन तमिल्स थे, ठीक है, उनके श्रीलंकन तमिल्स के अंदर कौन सी फीलिंग आ रही थी, एलिनेशन की, एलिनेशन मतलब एलियन टाइप से फीलिंग आ रही थी कि बाहर से आए हुए टाइप। देखो एलियन क्या होता है, कॉमन पीपल के बीच में यदि कोई अनकॉमन हो जाए तो उसको एलियन बोला जाता है, तो उनको ऐसा लग रहा था कि भाई हम ये कहाँ आके फंस गए हैं करके। ठीक है, जैसे कि होता है ना 15-20 लड़कियों की क्लास से एक अकेला लड़का फंस जाए तो क्या सोचेगा कि भाई ये मैं कहाँ आके फंस गया, नहीं नहीं मैम मेरे को लड़कियों के बीच में नहीं बैठाओ, ऐसा करते हो ना आप लोग, तो बिल्कुल यही चीज़ें होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, दे फेल दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उनको ये लग रहा था कि जो भी बुद्धिस्ट लोग थे, जो सिन्हाला कम्युनिटी थी या सिन्हाला पार्टी थी, वो लोग तमिल कल्चर की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उनके लिए बिल्कुल सेंसिटिव नहीं थे, सेंसिटिव होना मतलब उनके जो तमिल रिलीजन था, तमिल लैंग्वेजेस था, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी। इसकी वजह से क्या हो रहा था, दे फेल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है ऊपर आ जाओ यहाँ पे, एंड यहाँ से, ठीक है ये जो आपका है इधर आ गया, दे फेल दैट द गवर्नमेंट पॉलिसीज denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest. तो इससे obvious सी बात है कि तमिल्स जो थे, जो श्रीलंकन तमिल से basically, उनको बहुत बुरा लग रहा था कि हम लोगों को अवॉइड किया जा रहा है, हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब भेदभाव हो रहा है जॉब्स में या अदर अपॉर्चुनिटीज़ में या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, हमको बिल्कुल भी मतलब प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, सिर्फ सिन्हालास को दिया जाता है, ना ही हमारे कल्चर को इम्पॉर्टेंस दिया जाता है। तो इसलिए तमिल्स पर लाइक दे वर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमने क्या किया, हमारा भी तो कल्चर है ना, हमारे भी कल्चर को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, दे वर हेल्पलेस, क्योंकि जो सिन्हालास थे वो मेजोरिटी में थे और तमिल्स जो थे वो माइनॉरिटी में थे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जो इनका फ्रस्ट्रेशन था ना तमिल्स का, वो धीरे 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 होते जा रहा था। अब कोई इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो तो एक दिन तो गुस्सा निकल ही जाता है, बोलते हैं ना कई बार, अरे यार बहुत टाइम से सह रहा हूँ अब नहीं हो पाएगा, तो वही चीज़ें आगे हुई थी। देखते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ देयर फ्रस्ट्रेशन द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ था कि जैसे टाइम पास होते जा रहा था, सिन्हालास जो थे वो तमिल्स के ऊपर अत्याचार कर रहे थे काइंड ऑफ, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे, अपने विल्स चला रहे थे, उनके नीड्स को, उनके विल्स को, तमिल्स के विल्स को, तमिल्स के नीड्स को सिन्हालास डिसरिगार्ड कर रहे थे, नहीं मान रहे थे, और तमिल्स भी थे वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। तो फिर क्या हुआ,
द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड अ पार्टीज स्ट्रगल एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तो अब क्या हुआ, जो श्रीलंकन तमिल्स थे ना, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया कि हम थोड़ी ना चुप रहेंगे, हम भी रिवॉल्ट करेंगे, हम भी यहाँ के नागरिक हैं, हमको भी हमारा अधिकार चाहिए। उन्होंने क्या डिमांड किया, उन्होंने अपनी एक पार्टी फॉर्म की, अपनी एक पार्टी लॉन्च की, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, उन्होंने स्ट्रगल किया। किस लिए स्ट्रगल किया उन्होंने, उन्होंने स्ट्रगल किया, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ, उन्होंने स्ट्रगल किया टू रिकॉग्नाइज तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उनका कहना था कि ठीक है भाई, आप सिन्हाला को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज रखो, लेकिन इसके अलावा आपको तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज रखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया, जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने क्या किया, रिवॉल्ट शुरू कर दिया अगेंस्ट सिन्हाला कम्युनिटीज़, ठीक है, ओके। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि जो उनका जो एरिया है ना, रीजन है उनका, उनका जो भी रीजन है वहाँ पर क्या है, सिन्हालास के साथ साथ तमिल्स को भी जो है अपना अधिकार मिलना चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, और साथ में जॉब्स और एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए तमिल्स को भी, जैसे कि सिन्हालास को मिलती है। इस बात के लिए क्या किया, तमिल्स ने जो है वो विद्रोह कर दिया, उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। आगे पढ़ते हैं, जो भी डाउट्स आए ना तो आपको कमेंट सेक्शन में प्लेस करना है, ध्यान से समझो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वॉज रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन जैसे जैसे तमिल्स जो है अपने लिए रिवॉल्ट कर रहे थे, उनकी उनकी मांगों को, उनके रिवॉल्ट को जो सिन्हालास थे, जो कि बेसिकली उस टाइम पे गवर्नमेंट पे थे, वो लोग उनकी बात को डिनाई कर रहे थे, नहीं मान रहे थे। फिर क्या हुआ था, आगे देखते हैं अपन, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये 22 से लेके करना है। बाई 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलाम। इलाम का मतलब क्या होता है, स्टेट होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट तमिल इलाम इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। वेयर इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, इसको आपको यहाँ से देखना है, आई मीन ये 22 से लेके यहाँ तक के, कि जो रिवॉल्ट था, जब रिवॉल्ट चल रहा था और जो तमिल्स थे वो अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब सिन्हालास नहीं मान रहे थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड हुए थे। कौन से ईयर में हुए थे, 1980s के आसपास हुए थे, ठीक है। और एक बार क्विक रिविज़न करो, बताओ, जल्दी से आंसर कमेंट करना है इसमें, कि कौन से ईयर में सिन्हाला को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था श्रीलंका में। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, बुक में ऊपर लिखा हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क किया है हमने, ठीक है। आगे देखते हैं, तो 1980s के आसपास बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ओपन हो रहे थे, क्यों हो रहे थे, डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलाम, ठीक है, मतलब अब ये चाह रहे थे कि तमिल्स का भी एक अलग सा स्टेट हो, यहाँ पे स्टेट इलाम हो, इलाम मतलब स्टेट, और यहाँ पे स्टेट एक अलग, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश एक अलग स्टेट है, झारखंड अलग स्टेट है, छत्तीसगढ़ अलग स्टेट है, ऐसा स्टेट नहीं, पूरे के पूरे नेशन के बारे में बात कर रहे थे। मतलब जैसे इंडिया से अलग हो के पाकिस्तान एक अलग नेशन बन गया ना, तो उसको कई बार पॉलिटिकल लैंग्वेज में स्टेट भी बोला जाता है। तो तमिल्स इस तरीके से क्या कर रहे थे, अपने लिए एक अलग स्टेट की मांग कर रहे थे इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। कहाँ कहाँ पर, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, ठीक है। सपोज़ क्या है, सपोज़ ये यदि श्रीलंका है ना, तो इसका नॉर्थ क्या होगा, ये होगा, और ईस्ट क्या होगा, ये होगा। तो ऐसे कुछ पार्ट में, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में तमिल्स क्या चाह रहे थे, कि हमको जो है अलग से एक स्टेट मिले, ठीक है। आगे चलते हैं, द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। देखो क्या हो रहा था, कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी ना दोनों पार्टीज़ के बीच में, किसके किसके बीच में, तमिल्स एंड सिन्हालास के बीच में, वो धीरे धीरे क्या बन गई, सिविल वॉर बन गई, ठीक है, क्या बन गई, सिविल वॉर बन गई। अब सबसे पहले तो आप लोग सिविल वॉर की डेफिनेशन देखो, फिर मैं उसको समझाती हूँ। देखो नीचे आओ ग्लॉसरी में, लेफ्ट साइड में देखो, सिविल वॉर क्या मतलब होता है, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। मतलब किसी दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में या किसी एक कंट्री के अलग अलग ग्रुप्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट होना, ठीक है, मतलब हिंसा होना, मारपीट, लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद, इस तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट होना जिसमें लोगों को जान मान दोनों की हानि हो सकती है, ठीक है, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को ही क्या बोला जाता है, सिविल वॉर। सिविल मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, सिविलाइजेशन होता है, वहाँ पे एक वॉर लाइक कंडीशन हो जाती है, ठीक है। ये क्या है, ये किसी दूसरे देश के साथ वॉर नहीं हो रहा है, ठीक,
ये क्या हो रहा है, ये अपने कंट्री के अंदर ही वॉर होता है, इसीलिए बोला जाता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में पीस मेंटेन होना ज़रूरी है। तो श्रीलंका में क्या हो रहा था, ठीक है, श्रीलंका में क्या हो रहा था, सिविल वॉर लाइक कंडीशन हो गई थी, वहाँ पे लड़ाई झगड़े बढ़ गए थे श्रीलंका में, बहुत सारे लोगों के बीच में आपसी दंगे हो रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, मारपीट हो रही थी, ठीक है, कई लोगों को अपना घर वर छोड़ना पड़ रहा था, तो ये सब प्रॉब्लम्स हो रही थी। आगे देखते हैं, एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। जैसा मैंने बताया कि सिविल वॉर होने की वजह से दोनों पार्टीज के बीच में जो है समझौता नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से हजारों लोगों की डेथ हो गई थी, एक मारा गया था दोनों ही कम्युनिटीज़ के, ठीक है, दोनों ही कम्युनिटीज़ के लोगों को लॉस हो रहा था। मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी जिन्हें जबरदस्ती अपना घर अपना देश छोड़ना पड़ा था एज रिफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस देयर लाइवलीहुड्स, ठीक है, बहुत सारे लोग अपना घर बार छोड़ के रिफ्यूजीज बन गए थे, बहुत सारे लोगों को अपना जो लाइवलीहुड है मतलब अपनी ज़िंदगी चलाने का जो वे है अपना काम धंधा भी छोड़ना पड़ा था, ठीक है। अब बाकी जो चीज़ें आप जब क्लास टेंथ की इकोनॉमिक्स पे बुक पढ़ोगे ना तो उसमें श्रीलंका का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके बारे में पढ़ोगे। देखो इसकी वजह से क्या हुआ था, अबाउट श्रीलंका एक्सेलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ, देखो क्या था, हम लोग ये पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज द टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, इट एंडेड इन 2009। देखो इस बात को बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क करके चलो, ये जो है ना सिविल वॉर के क्या क्या सिग्निफिकेंस हुए थे, क्या क्या कंसिक्वेंसेस हुए थे, मतलब क्या उसके रिजल्ट था, ये था कि सिविल वॉर की वजह से बहुत ही ज़्यादा टेरिबल कंडीशन बन गई थी, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, बहुत सारों को अपना घर छोड़ना पड़ गया था, वहाँ के श्रीलंका के सोशल लाइफ मतलब जो सामाजिक जीवन है जैसा कि वहाँ की सोसाइटी में, वहाँ के कल्चर में और वहाँ के इकोनॉमिक लाइफ में, तीनों में ही बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को लॉस हुआ था और इसकी रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, ठीक है। देखो क्या होता है कि यदि किसी कंट्री में अपने अंदर ही मतलब कंट्री के अंदर ही लड़ाई झगड़े हों तो वो किसी बाहर की कंट्री से लड़ने के लिए या अपने देश को ग्रो करने के लिए कहाँ टाइम निकाल पाएगी, कहाँ से पैसे ला पाएगी। तो सेम कंडीशन कहाँ पे हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, ठीक है। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, कल हम देखेंगे मतलब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि बेल्जियम में जो था वहाँ पर किस तरीके से फाइट बैक किया गया था, वहाँ पर कैसी कंडीशन थी, प्रॉब्लम्स तो दोनों की सेम थी, इन दोनों के प्रॉब्लम को टैकल करने का तरीका सेम था या नहीं था, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करो, ठीक, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।